नमस्कार। इस ऐतिहासिक मंगा को शुरू करने से पहले मुझे पात्रों के बारे में बताना चाहिए। जिंग शाओ वह नायक है जिसे साम्राज्य के दरबार में अलग नाम से बुलाया जाता है। उसका शीर्षक चेंग वांग है। उसने पड़ोसी राज्य को हराया है और जब वह वापस आया तो हांग झेंग शहर में हर कोई खुश था। लोगों ने शहर को जिंग शाओ के नाम के बड़े बड़े बैनरों से सजाया था। जल्द ही जिंग शाओ सम्राट के पास गया और सम्राट को उस पर गर्व हुआ, लेकिन उसने अचानक कहा, जिंग शाओ, शादी करने का समय हो गया है। मैंने तुम्हें डिग्री और एक पुरुष पत्नी प्रदान की है। जल्द ही कार्यकर्ता अपने हाथ में रोल लेकर आया और जिंग शाओ को घुटने टेकने और डिग्री स्वीकार करने में सहायता की। जिंग शाओ ने घुटने टेके और इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन वह दुखी था क्योंकि वह कभी पुरुष पत्नी नहीं चाहता था, लेकिन वह सम्राट को ना भी नहीं कह सकता था। उसी समय सम्राट ने कहा, जिंग शाओ को दरबार में आने की कोई जरूरत नहीं। शाओ ने कभी भी मुहान से प्यार नहीं किया, लेकिन जब सभी ने उसे छोड़ दिया तो केवल इस पुरुष पत्नी ने अंत तक उसका साथ दिया। जिंग शाओ और मुहान को लोगों ने पीछा किया और वे मर गए, लेकिन भगवान ने उन्हें दूसरा मौका दिया और उन्हें पुनर्जन्म मिला। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। होंग झेंग युग, 24वां वर्ष। सर्दी पहले के सभी वर्षों से ठंडी लग रही थी। आज ही भारी बर्फ गिरनी बंद हुई थी। राजधानी से 30 ली दूर एक काला घोड़ा दो लोगों को ले जा रहा था। एक व्यक्ति के पास से दौड़ते हुए जो किसी की तलाश कर रहा था। घोड़े के खुर लगातार बर्फ से ढकी हुई जमीन पर मारते रहे और दूरी बढ़ती गई। थोड़ी देर बाद फिर से बर्फ गिरने लगी। आपका घोड़ा अब और नहीं चल सकता, दोनों को ले जाते हुए मुझे यहीं उतार दे। पीछे बैठे व्यक्ति की आवाज कमजोर थी, लेकिन स्वर हमेशा की तरह कोमल था। नहीं, तुम गंभीर रूप से घायल हो। अगर तुम्हें बर्फ में फेंक दिया तो थोड़ी देर बाद ही मर जाओगे। जिंग शाओ ने अपना चेहरा पोंछा और फिर घोड़े को दौड़ाते रहे। जेल से रिहा होने के बाद उसे स्थिति ठीक नहीं लग रही थी। वह और घायल राजकुमार दबाव में थे। अगर उसने एक लेफ्टिनेंट को नहीं मारा होता और घोड़ा नहीं चुराया होता तो उसे शक था कि वे दोनों राजधानी से थोड़ी दूर पर ही सिर काट दिए जाते। मेरा शरीर पहले ही अपनी सीमाओं पर है, जल्दी या बाद में मैं मर जाऊंगा। आपको मुझे जल्दी से नीचे उतार देना चाहिए, पीछे बैठे व्यक्ति ने चिंतित स्वर में कहा। घोड़ा एक बछेड़ा था। वे अब काफी देर से सवारी कर रहे थे और घोड़ा थकने लगा था। अगर वे दोनों ऐसे ही जारी रखते हैं तो न तो वे जीवित रहेंगे, नहीं अगर हम मरते हैं तो हम साथ मरेंगे। जिंग शाओ ने ठंडी हवा के खिलाफ जोर से कहा। यह व्यक्ति उनका राजकुमार था। उसने अपने पक्ष के साथी को प्राथमिकता दी थी और अपनी आधिकारिक पत्नी की उपेक्षा की थी, लेकिन अंत में जो व्यक्ति उनके साथ जेल में था वह यही व्यक्ति था जिसे उसने 10 वर्षों से अधिक समय तक उपेक्षित किया था। जिंग शाओ महारानी युआन का दूसरा पुत्र था। 14 साल की उम्र में वह सेना में शामिल हो गया और युद्ध क्षेत्र में उतरा, जीत हासिल की और अपना खिताब प्राप्त किया। उसे एक पत्नी लेने की अनुमति दी गई थी। परिवार में शांति बनाए रखने के लिए एक अलिखित नियम था कि साइड कंसोर्ट और उपपत्नियों से जन्मे सभी बच्चों को एक पुरुष पत्नी से शादी करनी चाहिए। वह महारानी युआन द्वारा जन्मा था, फिर भी महारानी वू ने अप्रत्याशित रूप से उसे एक पुरुष पत्नी से शादी करने के लिए मजबूर किया, जिससे उसकी साम्राज्य को विरासत में लेने की योग्यता बर्बाद हो गई। इसलिए वह नाराज था और उसने कभी भी अपने राजकुमार को वह सम्मान और प्रतिष्ठा नहीं दी जिसके वह हकदार थे। उसने अपने बड़े भाई को सिंहासन प्राप्त करने में भी मदद नहीं की। हाँ, मेरे पास क्या योग्यता है मुझ मुहान झांग के पास कि आपका मेरे साथ मर जाए, पीछे बैठे व्यक्ति ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा। मुझे खेद है, अगर हम इस संकट से बच जाते हैं तो मैं आपकी बात सुनूंगा। जिंग शाओ ने पीछे बैठे व्यक्ति को सांत्वना दी और लगाम को कसते हुए कहा, और 5 लीटर और वे वांग युए ढलान पर पहुंच जाएंगे। वहां एक संकरा रास्ता है जिसे उन्होंने शिकार के दौरान खोजा था, जो भागने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। के
मुहान झांग ने कठोर हवा में बोलने के कारण वह राजकुमार की पीठ पर खांसने लगे। एक रक्त की बूंद उनके पीले होठों के कोने से बह निकली। जेल में रहते हुए उन्होंने जिंग शाओ के लिए एक हमले को रोका था और अपने आंतरिक अंगों को घायल कर लिया था। दर्द पहले ही कम हो गया था, लेकिन अब ठंड के कारण वे खून की खांसी करने लगे। वह एक मजबूर मुस्कान नहीं रोक पाए और बस जिंग शाओ की पीठ पर लेट गए। इतने वर्षों के बाद उसकी नौकरानियां या उपपत्नियां इस कठिनाई का सामना करने की हिम्मत नहीं कर सकीं। उनसे नाराज होना असंभव था, लेकिन इस व्यक्ति ने मरते दम तक उसका साथ देने का आग्रह किया था। तभी मुहान झांग लगभग गिर ही गए थे। वह एक कुलीन परिवार के पुत्र थे। एक उप पत्नी से जन्मे उन्होंने कभी भी खिताब नहीं मांगा, बल्कि केवल नागरिक परीक्षाओं के दौरान खुद का नाम बनाने का मौका मांगा था। हालांकि उनके पिता और सौतेली मां ने परीक्षा से एक साल पहले ही उनकी शादी चेंग के राजकुमार से एक पुरुष पत्नी के रूप में कर दी थी। वह एक आदमी थे, फिर भी उनकी स्वतंत्रता छीन ली गई थी और उन्हें घर में रहने के लिए मजबूर कर दिया गया था। वह अब अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाएंगे। इतने वर्षों के बाद उन्हें नहीं पता था कि अपनी सौतेली माँ से नाराज होना चाहिए या अपने गैर जिम्मेदार पति को दोष देना चाहिए। वहाँ सामने उनके पीछे घोड़ों की टापों और टकराते हुए कवच की आवाजें और अव्यवस्थित चिल्लाने की आवाजें आईं। जिंग शाओ ने घोड़े को वांग युए ढलान की ओर तेजी से दौड़ाने के लिए कोड़ा इस्तेमाल किया। स्विश स्विश, पीछे से लोहे की नोक वाले तीरों की हवा को चीरने की आवाज आई। जिंग शाओ तीरों से बचने के लिए साइड में चले गए, पीछे बैठे व्यक्ति को साथ ले गए। मुझे मजबूती से पकड़ो, जिंग शाओ ने चिल्लाया। मुहान झांग ने जिंग शाओ की कमर को अपने हाथों से लपेट लिया और उनकी गति से मेल खाने के लिए उनकी पीठ पर झुक गए। वांग युए ढलान पर पहुंचने और जंगल के रास्ते में जाने के बाद तीरों से बचना आसान होगा। जिंग शाओ ने कुशलता से घोड़े को जंगल में चलाया, उनके पीछे पीछा करने वाले लोगों को पीछे छोड़ दिया। क्या घाव में दर्द हो रहा है, जिंग शाओ ने पूछा, जब उन्होंने घोड़े को एक बड़े पत्थर के ऊपर कूदने में मदद करने के लिए लगाम खींची और जमीन पर उतारा। नहीं दर्द, जवाब कमजोर होता जा रहा था। मुहान झांग, सो मत जाओ, जिंग शाओ ने चिंतित होकर उसे पुकारा। बस माउंट फेंग युए को पार कर लो और हम यान प्रांत पहुंच जाएंगे, जो मेरे पूर्व अधीनस्थ का क्षेत्र है। वे हमें पकड़ने से बचाने में मदद करेंगे, उसने खुद को भी प्रोत्साहित करने की कोशिश करते हुए उसे सांत्वना दी। वह इतने लंबे समय से जेल में था कि उसके कपड़े फटे हुए थे और उसका शरीर पतला हो गया था। यहाँ तक पहुँचना केवल उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम था। उनके नीचे का घोड़ा अचानक पागलों की तरह हिनहिनाने लगा। जिंग शाओ ने तेजी से घोड़े को रोक दिया और नीचे उतर गया। यह अज्ञात था कि वहां किसने जानवर का जाल बिछाया था, लेकिन करीब से देखने पर पता चला कि घोड़े का खुर उसमें फंस गया था। तुम मुझे यहीं छोड़ दो, मुहान झांग ने साफ सड़क पर खुद को संभालने की कोशिश की। हमने पहले ही माउंट फेंग युए का आधा हिस्सा पार कर लिया है, हमें बस इसे पार करना है। मैं तुम्हें अपनी पीठ पर ले जाकर पहाड़ से नीचे ले जाऊंगा। जिंग शाओ ने चारों ओर देखा, एक तरफ एक खड़ी चट्टान थी और दूसरी तरफ घने घास की एक खड़ी ढलान थी। पहाड़ी सड़क से उनका पीछा करने वालों के लिए पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। कुछ और कहे बिना उसने उसे अपनी पीठ पर उठाया और खड़ी ढलान की ओर भागा। वहां उन्हें पकड़ लो, जो पहले चेंग के राजकुमार का सिर ले आएगा उसे 1000 लियांग चांदी का इनाम मिलेगा। स्विश स्विश आदेश का पालन करते हुए तीरों की एक बड़ी संख्या जंगल से कट कर आई। जिंग शाओ बेहद कठिन परिस्थितियों में तीरों से बचते रहे। वूश, एक आवारा तीर उनके दाहिने पैर में लग गया। जिंग शाओ लड़खड़ा गए और मुहान झांग उनसे गिर पड़े। योर हाइनेस, मुहान झांग ने उसे सहारा देने के लिए उठने की कोशिश की। जिंग शाओ ने उसे देखा और आश्चर्य से पाया कि उसकी पहले की पीली रंगत में कुछ रंग आ गया था और उसकी आत्मा, जो पहले मृत्यु के लिए तैयार थी,
भी एक अच्छे अवस्था में आ गई थी। स्वाभाविक रूप से वह जानता था कि यह उसका अंतिम प्रयास था। उसके दिल में अचानक दुख का एक झटका लगा। उसने अचानक तीर को खींचकर बाहर निकाला और उसके साथ भागने लगा। हाँ हाँ, देखते हैं तुम कहाँ भाग सकते हो, एक चौथी रैंक के सैनिक ने तलवार के साथ हंसते हुए कहा। दोनों जंगल में बेतहाशा भागते रहे जब तक कि वे एक मृत अंत तक नहीं पहुंच गए। उनके सामने एक चट्टान थी और उनके पीछे पीछा करने वाले सैनिक थे, वे फंस गए थे। जिंगशाओ ने मुहान झांग को अपने और चट्टान के बीच में रखा और फिर चौथी रैंक के सैनिक को लात मारकर नीचे गिरा दिया। बिना उसे ठीक होने का मौका दिए उसने तलवार को जब्त कर लिया और उसे मार डाला। तलवार को पकड़ते हुए उसने सैनिकों पर वार किया और घुड़सवारों के घोड़ों को काट दिया, जिससे घोड़े ठोकर खाकर गिर गए और उनके ऊपर बैठे सैनिक चट्टान से गिर गए। वूश पीछे से आने वाले सैनिकों ने जमीन पर बिखरे शवों को देखा और उनके सामने रक्तपिपासु चेंग के राजकुमार को देखा। वे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सके, इसके बजाय उन्होंने अपने धनुष और तीर निकाल लिए। हम्फा, उसके पास तलवार हो या न हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? जिंगशाओ ने अपने कंधे से तीर खींचकर बाहर निकाला और वापस फेंक दिया। सैनिकों की चीखें सुनाई दी। जब उसने युद्ध के मैदान में प्रवेश किया उसने बाकी सैनिकों को मार डाला, लेकिन खुद भी विनाशकारी हालत में रह गया। चट्टान की ओर देखकर वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि दूसरी लहर के पीछा करने वाले पहले से ही उनकी ओर बढ़ रहे थे। अपने हाथ में तलवार को देखकर वह 10 को मार सकता था, लेकिन वह उन सैकड़ों सैनिकों को नहीं मार सकता था जो उनका पीछा कर रहे थे। उनके पास सैकड़ों सैनिकों का पीछा करने की हिम्मत थी। खून से सनी तलवार के साथ वह चट्टान के किनारे पर लौट आया। तलवार पर खून और उसके ऊपर खून सब एक साथ मिलकर खून की एक पगडंडी बना रहे थे। उसने पत्थर के सहारे झुके हुए व्यक्ति को अपनी बाहों में लिया। उस व्यक्ति का चेहरा पीला था और वह अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। जुनकिंग, क्या तुम्हें मुझसे कभी शिकायत हुई है? जिंगशाओ ने धीरे से उस व्यक्ति के मुंह के कोने पर लगे खून को पोंछते हुए पूछा। पहली बार उसने इस व्यक्ति को देखा, अपने राजकुमार को, और अंततः महसूस किया कि यह व्यक्ति उसकी सभी उपपत्नियों और रखेलों से अधिक सुंदर था। उसमें कोई प्रलोभन की आकर्षकता नहीं थी, बल्कि एक गर्वपूर्ण सुंदरता थी जो उसके लिए उपयुक्त थी। वर्तमान में उन सुंदर आंखों की जोड़ी उसकी दाढ़ी वाले चेहरे को प्रतिबिंबित कर रही थी। कितना विडंबना है कि जेल में बेमतलब की बातें करते हुए उसने इस व्यक्ति को एक वफादार विश्वासपात्र के रूप में पाया। अगर उसने पिछले 10 वर्षों में इस अवसर को बर्बाद नहीं किया होता तो क्या चीजें बेहतर होतीं? मेरे पास शिकायतें कैसे नहीं होतीं? अगर यह तुम्हारे लिए नहीं होता तो मैंने पहले ही नागरिक परीक्षाओं में अपना नाम बना लिया होता और शाही दरबार में प्रवेश कर लिया होता। जुनकिंग उसका सम्मानित नाम था, लेकिन इस आदमी ने उसे कभी भी इस नाम से नहीं बुलाया। मुहान झांग धीरे से मुस्कुराया और जिंगशाओ के चेहरे पर लगा खून पोंछते हुए कहा, लेकिन मैं तुम्हें दोष नहीं दे सकता, तुम एक सक्षम व्यक्ति हो। यह मैं था जिसने तुम्हारी साम्राज्य को विरासत में लेने का मौका बर्बाद कर दिया। हाँ हाँ हाँ, मैं सक्षम हूँ। कौन सी क्षमताएं? मैं तो अपने पूरे जीवन में भ्रमित ही रहा हूँ, आराम और सुख के दिनों का आनंद लेने के बजाय। मैंने कुछ ऐसा पाने की कोशिश की जो मेरी क्षमताओं से परे था, और अब जब मैं अपने दिनों का आनंद लेना चाहता हूँ तो यह बहुत देर हो चुकी है। मैं एक मूर्ख हूँ। हा हा हा, जिंगशाओ ने उस व्यक्ति को अपने बाहों में कस कर पकड़ा। आसमान की ओर देखते हुए उसने कड़वा हंसते हुए अपने अतीत के बारे में सोचा। उसका पूरा जीवन लड़ाइयों और साजिशों से भरा हुआ था। उसने एक उपपत्नी को पसंद किया और उसे अपनी पत्नी के अधिकार को कमजोर करने की अनुमति दी। अंततः यह वही व्यक्ति था जिसे उसने 10 वर्षों तक नजरअंदाज किया था, जो उसके बगल में स्थिर खड़ा था। विद्वेष में उसने अपने बड़े भाई को सिंहासन पर चढ़ने में मदद करने से इनकार कर दिया था, फिर भी उसका भाई गुप्त रूप से उसकी सहायता करता रहा।
अफसोसजनक, दयनीय, अंत में उसका जीवन एक मजाक था। मेरा पूरा जीवन यह भी एक मजाक है, मुहान झांग ने हल्की आह भरी। अगर कोई अगला जीवन है, उसने वाक्य को पूरा नहीं किया क्योंकि उसकी सांसें रुक गईं, उसकी सुंदर आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और उसके पतले हाथ हरे और काले पत्थर पर ने सजीव गिर गए। जिंग शाओ को यह पता नहीं चला कि आसमान में फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है, जब तक कि एक बर्फ का टुकड़ा उस व्यक्ति की लंबी पलक पर नहीं गिरा और पिघल गया। जैसे ही उसने एक दो खी चीख निकाली, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। अगर कोई अगला जीवन है तो मैं तुम्हें अच्छे से देखभाल करूंगा, मैं अपना पूरा जीवन तुम्हारे लिए इसे पूरा करने में बिताऊंगा, जिंग शाओ ने धीरे से कहा। उस व्यक्ति को अपनी बाहों में लेते हुए दूर देखते हुए उसने महारानी की सेना को पास आते देखा। उसने पीछे से घोड़ों की आवाज सुनी और धीरे धीरे खड़ा हुआ। वह अपने पूरे जीवन में अजय रहा था। अगर उसे मरना भी पड़ा तो वह उनके हाथों नहीं मरेगा। वह चट्टान से कूद गया। पहाड़ की हवा उसके कानों के पास से गुजर रही थी। जिंग शाओ ने उस व्यक्ति को अपनी बाहों में कस कर पकड़ा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, हम जल्द ही नए क्याओ पर मिलेंगे। अंधकार से आंखें खोलते ही उसने न तो कोई स्वर्गीय स्वर्ग देखा और न ही कोई भयंकर भूत जो उसकी जान मांग रहे थे। इसके बजाय उसका आसपास पूरी तरह से लाल रेशम और जली हुई मोमबत्तियों के अवशेषों से भरा हुआ था। उसने अपने हाथ को अपने मंदिर की ओर ले जाकर मसला, वह एक गंभीर सिरदर्द से पीड़ित था, धीरे धीरे बैठकर और अपनी इंद्रियों को पुनः प्राप्त करते हुए उसने तुरंत अपने बगल में किसी की उपस्थिति को महसूस किया। उस व्यक्ति की चमकीली लाल पोशाक फटी हुई थी, उनके काले बाल अस्तव्यस्त, उनके खुले हुए सीने पर बिखरे हुए थे, जिससे चिकनी और गोरी त्वचा दिखाई दे रही थी जो चोटों से ढकी हुई थी। उस व्यक्ति के चेहरे को ढकने वाले बालों को हटाने के लिए उसने अपना हाथ बढ़ाया तो एक स्पष्ट रूप से सुंदर चेहरा सामने आया। जुनकिंग अविश्वास की स्थिति में जिंग शाओ ने मुहान झांग के चेहरे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। ठंडे स्पर्श ने उनके दिल को हिला दिया, लेकिन ध्यान से महसूस करने पर उन्हें शरीर का तापमान महसूस हुआ। एक जीवित शरीर का तापमान मोमबत्ती की रोशनी का उपयोग करके उसे देखने पर उसके निचले होंठ पर एक निशान था जहां से खून निकल रहा था, जो काटने के कारण था। वह व्यक्ति उतना ही सुंदर दिख रहा था जितना कि उसे याद था, बस कुछ नरम विशेषताओं के साथ जो उसे 20वें वर्ष के आरंभ में लग रही थी। यह कैसे संभव था? जिंग शाओ ने इसके बारे में काफी समय तक सोचा और फिर अपनी ऊपरी चोगा को फाड़कर अपने सीने की जांच की। हांग झेंग युग के 18वें वर्ष में उसे दिल के पास एक तीर मारा गया था और यह लगभग उसे मार ही डाला था, लेकिन अब निशान वहां नहीं था और उसकी अन्य चोटें भी नहीं थी। उसकी त्वचा चिकनी थी, बस थोड़ी कम मांसपेशीदार थी जितनी वह याद कर सकता था। अंधेरे में बिस्तर के पास एक छोटे से डिब्बे तक पहुंचते हुए उसने दराज खींचा और अंदर नीली खाते की किताब खोली। अंतिम रिकॉर्ड था, यानकिंग काउंटी ने 1000 ल्यांग चांदी के बदले 5000 ल्यांग नमक का आदान प्रदान किया। हांग झेंग युग का वर्ष 13, दूसरा चंद्रमास, दिन 19। चुपचाप किताब को उसकी जगह पर लौटाते हुए जिंग शाओ ने बेचैनी से चारों ओर देखा। यह स्पष्ट रूप से उसकी शादी का कक्ष था। वह अपने शादी की रात में वापस आ गया था। हांग झेंग युग के 13वें वर्ष के वसंत में यह वह वर्ष था जब उसने हूणों को बाहर निकाल दिया और विजय होकर लौटा। वह अपने भाइयों में से पहले थे जिन्होंने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया और उनके पिता ने उन्हें शाही राजकुमार का दर्जा दिया। किसी ने भी उसकी क्षमताओं पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की। अगले वर्ष महारानी ने उनके पिता को उत्तरी के ग्रैंड मार्क्विस के दूसरे पुत्र के साथ उनकी शादी करने के लिए उकसाया। आज रात उनकी शादी की रात थी। इस वर्ष वह केवल 19 वर्ष का था, सब कुछ अभी शुरू नहीं हुआ था। हाँ हाँ हाँ, स्वर्ग ने मुझे नहीं छोड़ा, भगवान वास्तव में मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। हाँ हाँ हाँ,
उसके सदमे से बाहर निकलने के बाद और यह सुनिश्चित करते हुए कि यह सब सिर्फ एक सपना नहीं था, जिंग शाओ खुशी से हंसने से खुद को रोक नहीं सका। उसके बगल से एक करा ने जिंग शाओ की संतुष्ट हंसी को बाधित कर दिया। उसने सोते हुए म्यू हान झांग की ओर देखने के लिए जल्दी से अपना सिर घुमाया, जो उसके द्वारा जाग गया था। उसकी पतली पलकें कांपने लगी। धीरे धीरे खुलने से एक जोड़ी सुंदर आंखें दिखाई देने लगी। किसने कहा कि सब कुछ अभी शुरू नहीं हुआ है? यह बेहतर होता अगर देवताओं ने उसे कुछ घंटे पहले पुनर्जन्म लेने दिया होता, तो जून किंग को इस तरह चोट नहीं पहुंचती। जिंग शाओ ने मानसिक रूप से शाप दिया और साथ ही म्यू हान झांग की ओर अपना हाथ बढ़ाया, उसे अपनी बाहों में भरना चाहा। अप्रत्याशित रूप से उसका हाथ दूसरे के शरीर को छू ही पाया था कि अचानक वह व्यक्ति उससे बचने के लिए पीछे की ओर पटक दिया। एनएनजीआई अचानक हुई हरकत ने नीचे के घाव को प्रभावित किया था। म्यू हान झांग का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। हिलना मत, जिंग शाओ ने उसे पकड़ लिया और महसूस किया कि उसकी हथेली के नीचे का शरीर थोड़ा कांप रहा है। वह मदद नहीं कर सका लेकिन भौहें चढ़ाने लगा। शादी की रात उसे लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है और इसलिए उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली और कुछ समय बाद उसे याद नहीं रहा कि उसने क्या किया। उसे केवल इतना याद था कि दूसरे दिन जब वे सम्राट से मिलने गए थे तो दूसरा हॉल में प्रवेश करते ही बेहोश हो गया था। अब स्थिति को देखते हुए दूसरा हमेशा मजबूत और स्वस्थ था, चोटें शायद हल्की नहीं थी। म्यू हान झांग ने वास्तव में हिलना बंद कर दिया, केवल जिंग शाओ को खूबसूरत आंखों से देखा जिसमें वर्तमान में अपमान और भय दोनों थे। आप, जिंग शाओ ने अपना मुंह खोला लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। वह केवल घूम सकता था और बिस्तर के सामने रेशम का सैश खींच सकता था। थोड़ी देर बाद कमरे के बाहर से एक नौकर की आवाज आई, गर्म पानी तैयार है, मैं नहाना चाहता हूँ, उसने साफ आवाज में आदेश दिया। वह उसने नौकरों के जाने तक इंतजार किया और फिर पीछे मुड़ा। फिर भी उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। जिंग शाओ ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया। डरो मत, जिंग शाओ ने एक पल सोचा और फिर धीरे से सांत्वना दी। वह मैंने कल रात बहुत ज्यादा पी ली थी, मेरा वास्तव में यह मतलब नहीं था महाराज। गर्म पानी तैयार है, क्या आप चाहेंगे कि हम आपको नहलाएं? एक स्थिर आवाज ने पूछा। जिंग शाओ को याद आया कि यह मुख्य प्रांगण था। बेशक शादी की रात को गर्म पानी हमेशा तैयार रहता था। नौकरों ने भी यह सवाल एक कारण से पूछा, ऐसा इसलिए कि वे अंदर न जाएं और वह न देखे जो नहीं दिखना चाहिए। नहीं, आप सभी को निकाल दिया गया है, जिंग शाओ ने अधीरता से कहा। मू हान झांग ने जो कहा गया था उसे सुना और राहत की सांस ली। उसके लिए एक आदमी के अधीन रहना बेहद शर्मनाक और अपमानजनक था, और यह उसके लिए शर्मनाक स्थिति भी थी। अगर उसे नौकरों ने देख लिया होता, तुम क्या कर रहे हो? म्यू हान झांग चौंक गया। आदमी ने वास्तव में अपनी रजाई खोली और उसे गले लगा लिया। रजाई खोलने के बाद हिलना मत, उसके कार्यों के परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। नीले बैंगनी निशानों के असंख्य निशानों को छोड़कर दो पतले पैरों के बीच की जगह मैले लाल और सफेद तरल से भरी हुई थी। अंतरंग अंग और भी बदतर थे। जिंग शाओ ने अपनी भौहें और भी सिकोड़ ली। मैं तुम्हें नहाने ले जाऊंगा, उसे नहलाओ। म्यू हान झांग ने अपने सामने खड़े आदमी को देखा और उसे समझ नहीं पाया। इस व्यक्ति ने कहा कि वह नहाना चाहता था, क्या वह उसे स्थिति को छिपाने में मदद कर रहा था? लेकिन क्यों, जब वह कुछ समय पहले उसे पीड़ा दे रहा था, तो उसे थोड़ी सी भी दया नहीं आ रही थी। मैं खुद ही जाऊंगा, म्यू हान झांग ने ठंडे स्वर में कहा। बयान के बाद उसे अचानक लगा कि यह अनुचित है और उसने अपनी आवाज कम कर दी। मैं आपकी महारानी को मेरी देखभाल करने के लिए परेशान करने की हिम्मत नहीं करूंगा,
जिंग शाओ ने उसके गुस्से और सहनशीलता को देखा और वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसे लगा होगा कि वह पर्याप्त ईमानदार नहीं था। उसके पास अपनी मुस्कान को दबाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तुम्हारे पास ताकत कहाँ है? चूंकि यह मेरी गलती है, इसलिए मैं आपसे माफी मांग लूंगा। हालांकि वे पति पत्नी थे, इस तरह के घर में एक राजकुमार को अपनी राजपत्नी के सामने झुकना या इंतजार करना नहीं पड़ता था, लेकिन जिस तरह से जिंग शाओ ने ऐसा किया, उससे ऐसा लग रहा था कि यह बहुत सामान्य बात है। वे दोनों पुरुष थे। उसने सैन्य शिविरों में घायल सैनिकों का भी इलाज किया था। उसे पूरा भरोसा था कि वह जानता था कि वह क्या कर रहा है। मुहान झांग उसे मनाने में विफल रहा था और इसलिए उसके पास उसे साथ आने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह देखकर कि उसकी बाहों में मौजूद व्यक्ति अब संघर्ष नहीं कर रहा था, जिंग शाओ उसे पर्दे के पीछे ले जाने से संतुष्ट था। और अभी भी अपने अंदरूनी कपड़े पहने हुए होने के बावजूद वह स्नान में भी चला गया। पानी में एक बार मुहान झांग उसके आलिंगन से छूटने के लिए संघर्ष करता हुआ स्नान के किनारे पर आराम करने चला गया। जिंग शाओ नाराज नहीं था। उसने केवल अपने अंदरूनी कपड़े उतारे और अपनी असुविधा से छुटकारा पाने के लिए अपना चेहरा धोया। हैंगओवर, राजकुमार का स्नानघर बहुत बड़ा था। दो आदमियों के साथ भी वहां भीड़ नहीं थी। मुहान झांग ने एक कपड़ा तौलिया लिया और ध्यान से अपने शरीर से निशान साफ किए। उसने चुपके से उस आदमी की हरकतों को देखा और उसे अपने कान रगड़ते हुए देखा। ऐसा लगता है कि कल रात उसने वाकई बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। जिंग शाओ ने अपना सिर आगे पीछे हिलाया, अपने दिमाग को साफ करने की कोशिश की। वह अभी भी अपने पैरों के किनारों पर चट्टान के किनारे से ठंडी हवा को महसूस कर सकता था। कान गर्म पानी ने सब कुछ थोड़ा अवास्तविक महसूस कराया। उस पल उसने उस व्यक्ति को अपनी बाहों में खींचने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसकी बाहों में आदमी का शरीर तुरंत अकड़ गया। मैं खुद को धो सकता हूँ? मुहान झांग चौंक गया। उसने जल्दी से उस हाथ को पकड़ लिया जो नीचे की ओर बढ़ रहा था। अपने आप को धोना आपके लिए सुविधाजनक नहीं है, जिंग शाओ ने सीधे तौर पर कहा। हम दोनों पुरुष हैं, आपको किस बात की शर्मिंदगी है? मुहान झांग उसके आत्मविश्वासी स्वर से अवाक रह गया। वह बस मना करने ही वाला था कि अचानक एक उंगली उसके शरीर में घुस गई, जिससे उसने कराहते हुए आवाज निकाली, क्या यह दर्द करता है? जिंग शाओ ने देखा कि उसने अपना निचला होंठ काट लिया था और उसे अपनी बाहों में ले लिया, जिससे वह व्यक्ति उसके खिलाफ झुक गया। अपने आप को मत काटो, यह जल्द ही खत्म हो जाएगा। अगर यह दर्द करता है तो तुम मुझे काट सकते हो, उसने उसे चिढ़ाना बंद कर दिया। जल्दी और धीरे से अंदर से सारा पदार्थ बाहर निकाल दिया। म्यू हान झांग ने उसे काटा नहीं, बस धीरे से फुसफुसाया। जब अंदर की सारी चीजें साफ हो गईं, तो जिंग शाओ ने कपड़े का एक बड़ा टुकड़ा लिया और उस व्यक्ति को लपेट दिया जो उसके गले में था। उसे जल्दी से बिस्तर पर लिटाने के बाद वह घाव की दवा खोजने के लिए मुड़ा। चादरें बदल दी गई थी। म्यू हान झांग उठकर बैठ गया और अपनी शर्ट पहन ली। उसने देखा कि वह आदमी केवल एक पतली शर्ट पहने हुए था। उसके बालों से अभी भी पानी टपक रहा था। वह नंगे पैर कैबिनेट के सामने खड़ा था। उसे नहीं पता था कि क्या उठाए। सफाई की क्रिया बहुत कोमल थी और उसकी आंखों में नजर ऐसी नहीं लग रही थी कि यह नकली है। इससे म्यू हान झांग कुछ हद तक भ्रमित हो गया। हालांकि अगर महामहिम ने उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया तो आने वाले दिन बहुत बेहतर होंगे। आओ, मैं तुम्हारे लिए दवा लगा दूंगा। वर्तमान में मुहान झांग उस व्यक्ति के सुंदर चेहरे को बड़ी आंखों से देख रहा था, यह सोचकर कि शाही परिवार में हर कोई आकर्षक होता है, लेकिन उनमें से भी चेंग का राजकुमार विशेष रूप से आकर्षक था। एक मिनट रुको, दवा लगा रहा हूँ, यह मैं इसे खुद करूँगा। उसने जल्दी से जिंग शाओ के हाथ से छोटी बोतल ले ली। स्नान में भाप के कारण जिंग शाओ मुहान झांग के चमकीले लाल चेहरे
को नहीं देख पा रहा था। हालांकि वे अब एक अच्छी तरह से रोशनी वाले कमरे में थे, सब कुछ स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। हम पति पत्नी के बीच का काम पहले ही कर चुके हैं, तुम्हें किस बात का डर है? उस व्यक्ति के चेहरे पर लालिमा देखकर जिंग शाओ के होठों का कोना ऊपर की ओर मुड़ गया, बिस्तर पर चढ़ गया और उसकी चपलता का फायदा उठाते हुए उसने बोतल वापस पकड़ ली। मुहान झांग ने उसका विरोध किया, लेकिन आखिरकार उसे हार माननी पड़ी। इसके बजाय उसने रजाई से अपना सिर ढक लिया, आंखों से दूर, मन से दूर। जिंग शाओ खुद पर बहुत खुश था। उसने पतली टांगे फैलाई और मरहम का एक टुकड़ा निकाला और उसे लगाया। यह दवा मुझे मेरे पिता ने युद्ध पर जाने से पहले दी थी। खून बहने से रोकने और दर्द से राहत दिलाने में इसका प्रभाव विशेष रूप से अच्छा है। ठंडा और ताजा मरहम किसी भी अतिरिक्त दर्द का कारण नहीं बना, केवल घाव को शांत कर रहा था। स्वाभाविक रूप से मुहान झांग जानता था कि इस तरह की दवा जो दर्द का कारण नहीं बनती कितनी कीमती है। ऐसी जगह पर इतनी कीमती दवा का उपयोग कैसे किया जा सकता है? रजाई के नीचे से झांकते हुए उसने जिंग शाओ की आंखों में कोमलता देखी, उसके हताश दिल को थोड़ी राहत मिली। मुहान झांग ने खुद का उपहास किया, वह वास्तव में दयनीय था, दूसरों की थोड़ी सी दया से खुश हो रहा था। यह ऐसी जगह है जहां इतनी बढ़िया दवा की जरूरत होती है। जिंग शाओ ने मरहम लगाया और दो चिकनी और गोल पहाड़ियों को घूरता रहा। इसे देखते हुए उसे लगा कि इसका आकार बहुत अच्छा है। अपनी आंखों को उस खूबसूरत जगह से दूर करते हुए उसने एक ऐसा भाव बनाया जैसे मैंने कुछ नहीं देखा और उसे रजाई से ढक दिया। वह बिस्तर पर लेट गया और एक कटोरी में सूप लिया, उसे थोड़ा थोड़ा करके पीता रहा। यह एक अच्छी शुरुआत नहीं थी, लेकिन वह निश्चित रूप से इसे और खराब नहीं करना चाहता था। महाराज बाहर कैसे सो सकते हैं? अंदर सोए। बिस्तर के बाहर सोने के लिए पत्नी का स्थान था, ताकि वह अपने पति को चाय परोस सके और उसे कपड़े पहना सके। यह एक नियम था, अगर वे इस तरह सोते तो मुहान झांग को चिंता होती कि जिंग शाओ सुबह की अदालत के लिए देर से पहुंचेगा। मुहान झांग उस तरफ खिसक गया जिस तरफ जिंग शाओ था, यह संकेत देते हुए कि उसे अंदर की तरफ जाना चाहिए। कौन सोच सकता था कि किनारे की तरफ बढ़ने के बाद भी जिंग शाओ नहीं हिलेगा? तुम औरत नहीं हो, उन चीजों पर ध्यान क्यों देती हो? जिंग शाओ मुस्कुराया और एक और छोटी बोतल निकाली, पारदर्शी पेस्ट को अपनी उंगलियों पर लगाया। यह एक तरह की दवा है जो मैंने पश्चिमी क्षेत्रों से प्राप्त की है। अगर इसे छोटे घावों पर लगाया जाए तो अगले दिन यह 7 से 8 भागों में ठीक हो जाएगा। बस यह थोड़ा दर्द देगा, इसे सहन करो। उस कथन के बाद उसने अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके मुहान झांग के निचले होंठ पर बाम फैलाया। दर्द सुई चुभने जैसा महसूस हुआ, जिससे मुहान झांग ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। वह हाथ बढ़ाकर उसे दबाना चाहता था, लेकिन जिंग शाओ ने उसे रोक दिया। इसे मत छुओ, थोड़ी देर बाद यह और दर्द नहीं करेगा। उसकी हथेली में पकड़ा हुआ हाथ लंबा और चिकना था, छूने में बहुत महीन। यह उस तरह का हाथ था जो साल भर अक्षर लिखता और पेंटिंग बनाता था। तलवार चलाने वाले उसके हाथों की तुलना में यह बहुत अलग था। मुहान झांग ने चुभन महसूस की। यह देखकर कि वह व्यक्ति अभी भी उसका हाथ पकड़े हुए था, वह खुद को रोक नहीं सका और हल्की खांसी निकाल ली। आ, चलो सो जाते हैं। जिंग शाओ ने जल्दी से उस व्यक्ति का हाथ छोड़ा, नौकरों को लाइट बुझाने के लिए कहा। वह रजाई के नीचे चला गया। कल महारानी का अभिवादन करने और सुबह के दरबार में उपस्थित होने के बाद वह वापस आ सकता था और 2 शिचेन के लिए सो सकता था। एन, उसके बगल में बैठे व्यक्ति ने उस आवाज के अलावा और कुछ नहीं कहा। जिंग शाओ ने उसके लाल हो चुके कान नहीं देखे।